अस्सलामुअलैकुम। आज हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और फिर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। बिफोर वी गो टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, फर्स्ट वी विल डिस्कस द एटम्स। एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी विजुअलाइज्ड विद अ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। बच्चों, व्हाट इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज एन इमेज ऑफ गोल्ड एटम्स ऑन द सरफेस वेरी क्लियरली एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। वी नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कंसिस्ट थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस पे कंसिस्ट करता है? थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स पे। वो कौन कौन से हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बट द डिटेल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर वॉज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। सो द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज डन बाय टू साइंटिस्ट, ब्रिटिश फिजिसिस्ट रदरफोर्ड एंड द सेकेंड वन इज द डैनिश फिजिसिस्ट नील बोहर। They explain the theories and experiments related to atomic structure. इन्होंने experiments perform किए और atomic structure से related जो theories थी उनके बारे में बताया। So the first theory and experiment which we have to discuss today is the Rutherford atomic model. The experiment was performed by Rutherford in 1911. What was the objective of this atomic model? To know the arrangement of electrons and protons in an atom. This model has three parts: experiment, conclusion, and defects. Rutherford experiment. The material required for the Rutherford experiment is thin gold foil, 0.004 centimeter thickness. The other material was alpha particles, which are called helium nuclei. Third one he used lead shield and the fourth one is the fluorescent screen which has the zinc sulfide coating. अब ये fluorescent screen उसने क्यों use की? It was the alpha particle detector. बच्चों, अब हम Rutherford experiment discuss करते हैं। आप अपनी book का page 31 खोलें और top पे figure देखें 2.1। ये figure है Rutherford experiment की। आप देख रहे हैं जो मटेरियल मैंने आपको बताया है, जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी इस एक्सपेरिमेंट में, वो सारी यहाँ पे कैसे अरेंज हुई हुई हैं। लेड शील्ड है, थिन गोल्ड फॉइल है येलो कलर की एंड फ्लोरिसेंट स्क्रीन है विच इज द अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर। सो द फर्स्ट स्टेप जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए किया, दैट वाज रदरफोर्ड बम्बार्डेड अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल 0.04 सेंटीमीटर थिकनेस विद अल्फा पार्टिकल। उसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की इस थिन गोल्ड फॉइल पे। और अल्फा पार्टिकल क्या है और अल्फा पार्टिकल उसने कैसे ऑब्टेन किए? अल्फा पार्टिकल्स आर दी हीलियम न्यूक्लियाई विच ही ऑब्टेन बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्लूटोनियम विच वाज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। जब प्लूटोनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है बच्चों, जब उसके न्यूक्लियाई को ब्रेक डाउन करते हैं तो वहां से अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं। आप बच्चों देख रहे हैं डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम, हीलियम न्यूक्लियाई पे दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इसको बोलते हैं डबली पॉजिटिवली चार्ज। अब इस एक्सपेरिमेंट से जो उसने ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन की, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट से उसने बच्चों तीन ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन की। फर्स्ट वन इज द मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स नॉन डिफ्लेक्टेड। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? आप फिगर में देख रहे हैं कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो थिन गोल्ड फॉइल में से पास हो गए हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं, थिन गोल्ड फॉइल में से पास हो गए हैं। जो सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने नोटिस की, फ्यू पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। और इस फिगर में अब आप देखें कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ पार्टिकल्स स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन वॉज ओनली वन इन वन मिलियन वॉज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन भी आप
अंडरस्टैंड करें कि सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ ग्रेटर देन 90 डिग्री के एंगल से। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन उसने नोटिस की आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंटेशन, जब उसने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो ये तीन ऑब्जर्वेशन उसने नोटिस की। अपनी इन ऑब्जर्वेशन से फिर उसने कुछ कंक्लूजन्स मेड किए, और वो कंक्लूजन्स क्या थे, उसने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन डिस्कस की थी दैट वाज मोस्ट अल्फा पार्टिकल नॉन डिफ्लेक्टेड। इसकी वजह उसने क्या बताई, वो उसने बताई कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। एटम के इर्द गिर्द बहुत सारी स्पेस जो होती है वो एम्प्टी होती है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, फ्यू पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। इसके बारे में जो उसने कंक्लूड करके बताया, पॉजिटिव सेंटर ऑफ एन एटम रिपेल्स विद द अल्फा पार्टिकल्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। जब अल्फा पार्टिकल थिन गोल्ड फॉइल में से पास हुए तो सेंटर में कोई ऐसा पॉजिटिवली चार्ज पार्ट था जिससे अल्फा पार्टिकल टकराए और डिफ्लेक्ट हो गए। सिमिलर चार्जेस की वजह से बच्चों रिपल्जन होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। थर्ड कंक्लूजन ही मेड, मैसिव अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि अल्फा पार्टिकल्स ह्यूज होते हैं, हैवियर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स उनको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बच्चों उसने थ्री कंक्लूजन्स जो है ड्रॉ की अपनी ऑब्जर्वेशन से, जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्वेशंस की थी। इस एक्सपेरिमेंट से जो उसने कंक्लूजन ड्रॉ की तो इस काबिल हो गया कि वो एक नया मॉडल प्रपोज करे। सो ही प्रपोज प्लैनेटरी मॉडल विच वाज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम फॉर एन एटम। इस प्लैनेटरी मॉडल के बारे में उसने क्या बताया, एन एटम इज न्यूट्रल। एक एटम क्या है, न्यूट्रल है, यानी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही एटम के बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो जितने प्रोटॉन होंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। सेकंड पॉइंट उसने क्या बताया इस प्लैनेटरी मॉडल का, पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम का जो हैवी कंसेंट्रेटेड पार्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होगा सेंटर में, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इस पॉइंट ने बताया डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में, जैसे हम कहते हैं कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, तो यही पॉइंट हमें किस तरफ लेके जाता है, टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अबाउट दैट प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, एटम हैज टू पार्ट्स, वन इज न्यूक्लियस एंड द अनदर वन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट विच कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट विच ही डिस्कस इन द प्लैनेटरी मॉडल वॉज, बच्चो द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कल्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, यानी पॉजिटिव चार्ज के, जैसे अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि सेंटर में है पॉजिटिव चार्ज और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो जिस पाथ में, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। फोर्थ पॉइंट इस प्लैनेटरी मॉडल का क्या था, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। एटम का साइज बहुत ज्यादा होता है लेकिन जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो कॉम्पैक्ट होता है और स्मॉल होता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हैज सम डिफेक्ट्स। फर्स्ट वन डिफेक्ट क्या था, वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता सका। कैसे नहीं बता सका, we know that an electron revolves around the nucleus in circular orbit it emits energy continuously thus the orbit of the revolving electron becomes smaller and smaller until it would fall into the nucleus। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, कोलैप्स हो जाएगा। तो दिस वाज द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सेकंड डिफेक्ट वाज इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में भी नहीं बता सका। क्यों नहीं बता सका, अगर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस वो मुसलसल इनर्जी रिलीज करता है तो उसको कौन सा स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए बच्चों, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास जब ऑर्डिनरी लाइट
प्रिज्म में से पास होती है तो वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होती है। अगर वो डिफरेंट कलर्स आपस में मर्ज हुए हुए हों, यानी हम उनमें डिस्टिंक्शन ना कर सकें, तो उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं बच्चों कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिलीज एनर्जी देन इट शुड फॉर्म द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बट अलाइंड स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन। तो दिस वॉज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो बच्चों ये सारा हमने अंडरस्टैंड किया जो हमने डिस्कशंस की, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी पॉइंट आपको मुझसे पूछना हो तो बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं।